तो आज हम आपको समझाएंगे कि क्यों ममता बनर्जी ने ये पेशकश की, पर सबसे पहले देखिए कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय से क्या तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है ममता बनर्जी की, जो आज शाम 2 घंटे तक इंतजार करती रही। वो बैठी रही इंतजार में राज्य के सेक्रेटेरिएट के अंदर, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। टीएमसी और मुख्यमंत्री का कहना है कि वो 2 घंटे तक रुकी रही, पर प्रदर्शन पर बैठे हुए डॉक्टर्स उनसे मिलने नहीं आए। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। दरअसल आज जूनियर डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री, जो कि इतने वक्त से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनमें कुछ समझौते की आशा थी, समझौते के आसार थे, उनके बीच में बातचीत होनी थी। कई दिनों से चिट्ठियां दोनों के बीच में चल रही थी। आखिरकार आज लगा कि जो गतिरोध है वो टूट जाएगा। 32 डॉक्टर बातचीत के लिए पहुंचे भी, लेकिन डॉक्टरों ने एक शर्त रख दी कि बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिसे ममता सरकार ने नहीं माना। ऐसे में बातचीत हुई ही नहीं और नतीजा, खाली कुर्सियों के बीच बैठी ममता बनर्जी की यह तस्वीर सामने आई। अब सवाल यह है कि क्या जूनियर डॉक्टरों को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है? आखिर ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग क्यों नहीं मानी? क्या मुख्यमंत्री को जूनियर डॉक्टरों की बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग से किसी बात का डर है? अगर ममता सरकार डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है तो फिर जूनियर डॉक्टरों से बातचीत पर अपनी शर्तें क्यों थोप रही है? और क्या इस्तीफे की पेशकश ममता बनर्जी का ट्रंप कार्ड है, उनका इमोशनल कार्ड है? जूनियर डॉक्टरों से बातचीत नहीं हो पाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर आगे जाके क्या कहा, पहले आप उसे सुन लीजिए। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टर सड़कों पर हैं, अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। खास तौर पर जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा और इंसाफ पर सिर्फ आश्वासन ही नहीं, ठोस कार्रवाई चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। ममता सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद हड़ताली डॉक्टर झुकने को तैयार नहीं है। हड़ताल से पश्चिम बंगाल के मरीज परेशान है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है? But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. Because sometimes we have to tolerate. हड़ताल पर जो जूनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप 10 तारीख तक वापस काम पर लौट जाइए, पर उन्होंने वो डेडलाइन को नहीं माना। उन्होंने 6 मांगे अपनी सरकार के सामने रखी हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा होना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और जो भी मीटिंग सरकार के साथ हो उसे लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। जो पेशकश अभी सरकार ने उनके सामने की है, जो कंडीशंस उनके सामने रखी गई हैं, उसके बाद क्यों जूनियर डॉक्टर उन्होंने मिलने से मना कर दिया, क्या थी उनकी प्रतिक्रिया, सुनिए। हम लोग का ये डिमांड्स भी नहीं है, हम ये चाहते भी नहीं है, बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा, पूरा जनता जो है उसके सामने देखने के लिए, बस यही बात है। अगर लाइव हो तो सब देख पाएंगे। हम लोग का यही मोटिव है कि सबके सामने सब कुछ हो, क्योंकि सबके सामने ही तो पूरा बात चल रहा है, तो सबको जानने का ये हक है पूरा। ये माना जा रहा है कि इस्तीफा देने की पेशकश करके ममता बनर्जी ने अब सारा प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर डाल दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता की कोई भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ
पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि डॉक्टर हड़ताल पर अभी भी बने हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से परेशानियों का सामना पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को करना पड़ा। उन्होंने अपनी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रदेश के लोगों से माफी भी मांगी। बीजेपी कह रही है कि ये स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता भली भांति जानते हैं कि मुख्यमंत्री प्राण त्याग कर सकते हैं लेकिन पद त्याग नहीं करेंगे। अगर कर भी दिया तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? उसका परिवार से बनेगा, बागडोर उन्हीं का हाथ पे रहेगा। हम लोग विश्वास करते हैं कि ये सोचे समझे नाटक है, जनता ये नाटक समझते हैं। तो मसला यह है कि कोई भी सरकार अपने राज्य में जीरो क्राइम का दावा नहीं कर सकती, लेकिन किसी सरकार की संवेदनशीलता और एफिशिएंसी इस बात से आंकी जरूर जाती है कि किसी वारदात को लेकर उसका रवैया वारदात के बाद कैसा होता है। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आरजी कार अस्पताल के केस में बंगाल सरकार का शुरू से रवैया कैसा है। बार बार उनसे सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। इसलिए आज जब 30 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात नहीं हुई तो इसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तब हुआ जब डॉक्टरों की टीम मुख्यमंत्री कार्यालय के गेट तक पहुंच गई थी। ये होना ही था और हुआ यही। अंत में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने का इमोशनल दांव खेला जो शायद सरकार की नाकामी छिपाने का आखिरी दांव भी था।